मैं राहुल सिंह एडवोकेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट 498A के ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बड़ी जल्दी से जानते हैं छोटी सी वीडियो में कि 498A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या है जजमेंट और 498A बेसिकली है क्या। स्टार्ट करते हैं फिर। तो 498A सेक्शन IPC ये है वुमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंस जो हस्बैंड और रिलेटिव्स द्वारा किया जाता है। क्या है? क्रुएल्टी और हरासमेंट। इसके अंदर क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स या हरासमेंट बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स फॉर अनलॉफुल डिमांड। इसमें बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 498 है सेक्शन IPC का, ये सिर्फ डॉरी डिमांड से रिलेटेड है। मतलब कि अगर हमने डॉरी की डिमांड नहीं करी है तो हमारे खिलाफ ऑफेंस नहीं बनेगा, चाहे क्रुएल्टी हो या मेंटल हरासमेंट हो या टॉर्चर हो। सेक्शन 498 है इस बात को क्लियर नहीं करता। सेक्शन 498 है IPC में कहीं भी डॉरी शब्द का यूज़ नहीं हुआ है, उसमें शब्द हुआ है अनलॉफुल डिमांड का। अनलॉफुल डिमांड में डिमांड ऑफ डॉरी भी आ सकती है या एग्जांपल डिमांड फॉर लोन मनी या बिजनेस। जैसे कि कई बार जो दामाद है, जो मतलब हस्बैंड है वाइफ का पीड़ित का, वो अपने ससुर से पैसे उधार मांगता है कि मेरे को बिजनेस चलाना है या किसी चीज़ के लिए पैसे मांगता है, तो वो डॉरी की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस सेक्शन से बच जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की 2013 में एक जजमेंट थी मोदीनंद साहब कसीम साहब कंचार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि हालांकि उसने उस केस में क्या हुआ था, उसने अपने ससुर से मांगे थे सिक्योरिटी के लिए लोन, तो उसमें इसने कहा था कि डी तो डॉरी की डेफिनेशन में आता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफिनेशन नहीं आता, बिल्कुल क्लियर है कि ये डॉरी की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये अनलॉफुल डिमांड में फॉल करता है। तो अगर लॉफुल डिमांड में फॉल करता है तो इसमें सेक्शन 498A IPC चलेगा। अब बात करते हैं एक लेटेस्ट जजमेंट की जो कि अभी 2022 में आई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कहे कसन कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को, बेसिकली हस्बैंड को नहीं लेकिन उसके रिलेटिव्स को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आजकल आपको पता है कि 498A IPC जब बना था वो बना था महिलाओं के लिए, जबकि इस देश में जब डॉरी को लेके उनकी हत्याएं हो रही थी या उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा था, तो उससे बचने के लिए लेजिस्लेशन ने एक ये लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, 498A IPC उसमें डाला गया। 498A IPC बना था जैसे कि मैंने बताया कि उन महिलाओं के लिए जो प्रताड़ित हो रही थी अपने मैट्रिमोनियल हाउस में, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। इसका यूज़ जितना नहीं हुआ, जो इसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा, मिसयूज़ होने लगा। और यही इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो बहुत सारी अपनी कैटिना ऑफ जजमेंट्स, मतलब बहुत सारी जजमेंट्स में ये डिसाइड किया है। एक बार फिर 2022 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने लाया सबके सामने और कहा उसमें कि जो हस्बैंड है उसके रिलेटिव्स को भी, जो महिला है उसने केस फाइल किया कि इन्होंने मेरे को प्रेशर किया है, क्रुएल्टी किया मेरे साथ, हरासमेंट किया मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। लेकिन जो रिलेटिव्स के अगेंस्ट उसके एलिगेशन थे वो सिर्फ जनरल थे कि इन्होंने मिलके किया, उनका रोल क्या था कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था, ना कंप्लेंट में ना किसी FIR में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक जनरल एलिगेशन लगा के आप सबको केस के अंदर नहीं फंसा सकते, वो एक जनरल एलिगेशन के ऊपर अपना पूरा ट्रायल फेस करेगी ठीक बात नहीं है। अगर कोई ऑफेंस कोई करता है तो आपको उसका स्पेसिफिक रोल बताना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे फंसा के या किसी को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, आप किसी को प्रेशर डालने के लिए इस सेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटिव्स हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट क्वैश केस को क्वैश किया और कहा कि जो जनरल एलिगेशंस होते हैं, जिसको स्पेसिफिक एलिगेशन ना हो, किसी का रोल स्पेसिफिक ना किया हो, उसके अगेंस्ट केस नहीं चलना चाहिए। तो जैसे ये 498A सेक्शन IPC है, हालांकि इसके बना ये अच्छे पर्पज़ के लिए था, लेकिन अब इसका मिसयूज़ भी ज़्यादा होने लगा है और कोर्ट्स भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। और कोर्ट्स ने बार बार ट्रायल कोर्ट्स को भी ये डायरेक्शन दी हैं कि ट्रायल कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को ध्यान नहीं देते और बहुत रूटीन मैनर में उस केस को चलाते हैं। फॉल्स केस या फॉल्स केस नहीं है, लेकिन केस जब सामने आता है प्रमाण फसाई देख के केस के फैक्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स को अपना केस करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे वो पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।